हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ, दैट्स व्हाई वीडियो मेरे देख रहे हो। सबसे पहले जो मेरे चैनल पर नए हैं उनको उनसे कहना चाहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जो आपका मन वो करें, लेकिन वीडियो को इसको पूरा देखना है आपको। तो चलिए आज का वीडियो को शुरू किया जाए। Today I am gonna show you my bike. If you already watched my previous videos, then आपको already पता होगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो चलिए, तो भाई यहाँ पे रखा हुआ है अपना बाइक, तो कवर करके इसको मैंने रख दिया है। बहुत दिन से यहाँ पे कोने में पड़ा हुआ है, इसका यूज नहीं है, तो आज देखते हैं कितना कुछ इसका कंडीशन कैसा हो गया है। भाई गाड़ी देख ली है, अब सामने से दिखाता हूँ वो कितना गंदा है। तो भाई आपको सामने से पता चल रहा होगा या नहीं पता नहीं, लेकिन आप देखेंगे कि पूरा मिट्टी से भरा हुआ है मेरा गाड़ी। हर तरफ देखोगे आप तो पूरा गंदा हो रखा है, बहुत दिन से इसे पड़ा हुआ था। और सर, इस साइड का इंडिकेटर भी झूल रखा है यार, इसको भी फिक्स करते हैं। इसका तो अपन देसी आदमी जुगाड़ लगा सकते हैं, तो ट्राई करते हैं इसको घर में फिक्स करने का, इसके बाद इसको वॉश करेंगे। तो भाई इंडिकेटर को फिक्स करने के लिए हमने जो देसी जुगाड़ लगाया उसका सबसे पहले दिखाता हूँ कि मैं उसके उसमें क्या क्या यूजेस करने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं एक ब्लैक टैप, ये फेविक्विक, और इसे काटने के लिए एक सीजर। तो चलिए इन सब चीज़ों से मैं अपने इंडिकेटर को फिक्स करता हूँ, दिखाता हूँ आपको। बाइक का जो इंडिकेटर था उसको मैंने जुगाड़ लगाकर फिक्स कर दिया, और आप लोग कमेंट में बताना कि आप में से कितनों ने ऐसा जुगाड़ लगाया कि अपना बाइक का इंडिकेटर वगैरह ठीक किया। तो फिक्स इंडिकेटर हो गया, इसके बाद चलते हैं बाइक को क्लीनिंग के लिए ले जाएंगे, और इसमें कुछ मेजर जो सर्विस कराना है उसको भी करा लेंगे। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं। नाउ आई एम रेडी, अब चलते हैं। गाड़ी हमारी वॉशिंग हो रही है, दिखाता हूँ। ये हमारी गाड़ी का वॉशिंग हो रहा तो फाइनली बाइक का वॉशिंग खत्म हो गया, अब इसको लेके चलते हैं सर्विस सेंटर पे। मतलब कि कुछ कुछ थोड़ा बहुत इसमें काम करवाना है उसको करवा लेते हैं, उसके बाद घर चलेंगे। दोस्तों, अब मैं पहुंच चुका हूं गैराज में, और आप देख सकते हैं यह जो यहां इंजन वेल वगैरह गाड़ी से निकाला जा रहा है, क्योंकि ये चेंज हो जाएगा और इसमें न्यू इंजन वेल लगेगा। तो इसके सबसे पहले इसलिए इसका खाली किया जा रहा है ऑयल का टैंक को, इसके बाद हम लोग इसमें डालेंगे नया इंजन ऑयल। ऑयल चैम्बर का जो नट है दोस्तों, उसको आप देख सकते हैं मैंने टाइट कर दिया है, और यहाँ दूसरे साइड से इंजन ऑयल डालने का तैयारी हो रहा है।
भाई बाइक की जो नॉर्मल सर्विसिंग वगैरह करनी थी मैंने कर दी है, इंजन ऑयल वगैरह चेंज हुआ, थोड़े बहुत हल्का फुल्का जो काम था वो सब निपट गया। अब मैं जा रहा हूँ वापस से घर की तरफ, तो चलते हैं, पहले फ्यूल डाल लेते हैं गाड़ी में, उसके बाद घर चलेंगे। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, आपको इस तरह से वीडियो मेरे चैनल में देखने को मिलते रहेंगे।